आज के इस प्रैक्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे कि एक बल्ब को दो स्थान से कैसे ऑन और ऑफ करेंगे, ठीक ना। जैसे अभी यहाँ पर देखिए चार बल्ब लगा दिए हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ एक बल्ब को दो स्थान से कैसे बंद करेंगे स्विच से, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम सर्किट की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो स्विच है ना, दो स्विच S1 और S2 दो स्विच लिए हैं। यहाँ पर देखिए तो कितना पिन है इसमें, 3 पिन है। तो कौन सा स्विच लेना है हमको, 3 पिन वाले स्विच कितना लेना है, दो स्विच लेना है। अब देखिए इसका हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए एक फेज और एक मीटर सप्लाई से आता है, उसको क्या करते हैं, दो जैसे स्विच 1 है स्विच 2 है, तो इसके ऊपर वाले दो स्विच को आप तार से कनेक्ट कर दीजिए। ये वाला तार को किधर करेंगे, फेज। जैसे देखिए इधर से आपका एक फेज जैसे ही आता है, तो यह फेज वाला को कनेक्ट किया है, इसी फेज वाले से देखिए एक और दूसरे तार में हम कनेक्ट किए हैं, ठीक ना। अब देखिए फेज वाला दोनों स्विच में हम कनेक्ट कर दिए। अब देखिए न्यूट्रल वाला को क्या करेंगे, न्यूट्रल वाले को इसके नीचे वाले दोनों स्विच में फिर दोनों को क्या कर देंगे, कनेक्शन कर देंगे। तो इधर से देखिए ये न्यूट्रल वाले हैं, इसके नीचे वाला कनेक्शन कर दिए, यहाँ से आए तो इसके भी नीचे हम कनेक्शन कर दिए, ठीक। अब देखिए बीच में जो बचा उसको बोलते हैं कॉमन स्विच, क्या बोलते हैं, कॉमन स्विच, ठीक ना। तो यह दोनों स्विच में जो कॉमन होगा स्विच, उस दोनों के स्विच वाले बीच में से क्या करेंगे, दो तार लेंगे और इधर बल्ब में हम कनेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, बल्ब में कनेक्ट कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर हम तो चार बल्ब लिए हैं, ठीक ना, लेकिन एक बल्ब को कनेक्ट करना है, ठीक ना। तो यहाँ से देखेंगे कॉमन वाले को दोनों को किससे कनेक्ट करना है, बल्ब से, यानी लोड से कनेक्ट करना है। आ देखिए स्विच का कनेक्शन समझ गए, अब आइए यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर दो आपका सप्लाई कनेक्शन आ रहा है, एक फेज एक न्यूट्रल। फेज को क्या बोले, दोनों स्विच को पहले टर्मिनल को दोनों को जोड़ लीजिए, फिर न्यूट्रल को नीचे वाले दोनों को जोड़ लेंगे, और बीच वाला जो पॉइंट है उसको कौन सा क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमन पिन। उस कॉमन को क्या करते हैं, हम लोड में कनेक्ट कर दिए, अभी हम बल्ब में कनेक्ट कर दिए हैं। अब देखिए अब सप्लाई को करते हैं ऑन, तब देखते हैं दोनों स्थान से, जैसे अगर हम दरवाजे का बल्ब हमको जलाना है, ठीक ना, हम घर के दो मान लीजिए रूम है, उस रूम में से किसी भी रूम में व्यक्ति क्या करे कि बाहर वाले बल्ब को बंद करना चाहे, ठीक ना, तो हम दोनों स्थान से कैसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए सप्लाई को ऑन कीजिए। तो देखिए जैसे अभी सप्लाई ऑन हुआ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसी स्विच से हम करते हैं, तो इसको कीजिए ऑन, देखिए ऑन ऑन हो गया स्विच, थोड़ा शायद दाबिए यहाँ पर, देखिए ऑन हो गया, ठीक ना। अब वहाँ से ऑन किए हैं और इस स्थान से हमको ऑफ करना है, ठीक ना, तो यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं, देखिए ऑफ हो गया, ठीक। इसे हम ऑन कीजिए यही, अब देखिए ये अगर हमको यहाँ से बंद करना हो तो यहाँ से चालू करना हो तो चालू कर दिए, फिर बंद कर दिए यहाँ से।